Hey, what's up guys? I know last two videos में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, बहुत प्यार दिखाया and 101% you all are enjoying that video, right? अगर आपने वो दो videos नहीं देखा है और डायरेक्ट आप ये तीसरे वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो को कंप्लीट कर लो और कंप्लीट करने के बाद लास्ट टू videos, ये दोनों videos जो अभी आपके स्क्रीन पे हैं, जाके जरूर देखना, 101% देखना। अगर आप ऑनलाइन से अर्निंग करना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो या ऑनलाइन में इनकम जनरेट करना चाहते हो तो वो दो वीडियोस विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ऑनलाइन एंड मेकिंग मनी ऑनलाइन, द बेस्ट थिंग, द मेकिंग मनी ऑनलाइन एंड द राइट वे टू मेकिंग मनी ऑनलाइन, राइट। सो ये है थर्ड पार्ट उन दो पार्ट के बाद एंड आज के पार्ट में हम लोग सीखेंगे रिव्यू कैसे आपको देना है किसी एक प्रोडक्ट का गैप वेबसाइट पर या किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट पर रिव्यू कैसे देते हैं एंड कैसे उससे सेल जनरेट करते हैं। तो एक ऐसी चीज आपको सिखाने जा रहा हूं जो पेड मेथड्स में, मतलब कि पेड कोर्सेज होते हैं जैसे मेरा है, वैसे ही पेड कोर्सेज में बताई जाती है, राइट। बट यहां मैं आपको टोटली फ्री देने वाला हूं बिकॉज ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है गैप के साथ, गैप क्या है वो आपको पता चलेगा फर्स्ट वीडियो अगर आप देखोगे जाके, फर्स्ट पार्ट जो वाला अगर ये जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गैप क्या है। एंड ट्रस्ट में आपको देखना ही है अगर आप ऑनलाइन से अर्निंग करना चाहते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, ये मैं फोर्सफुली मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप ऑनलाइन में हो, राइट। तो मेक श्योर जाके जरूर देखना। तो इस थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे लैंडिंग पेज और ब्लॉग दोनों पर रिव्यू कैसे लिखते हैं और लैंडिंग पेज को कैसे बनाते हैं कि वो काफी ज्यादा यूजफुल हो आपके किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो गैप पे यूज करो चाहे आप कहीं पर भी यूज करो। और जो मेथड्स मैं बताने जा रहा हूँ वो पेड कोर्सेज में बताए जाते हैं बट यहाँ पर टोटली फ्री फॉर यू। तो इसके लिए एक बनता है एक लाइक, तो मेक श्योर एक लाइक कर दो बिकॉज आपका लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो लाइक जरूर करना। और क्या आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है एंड मुझे और वीडियो ऐसी बतानी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड नए मेहमानों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि आपको पता है यहाँ पर लेजिट और राइट वेज मिलते हैं पैसे अर्न करने के ऑनलाइन से। चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि क्या आपको कैसे करना है, लेट्स कम नाउ। सो गाइस वेलकम बैक टू द स्क्रीन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आप ऑलरेडी आपको पता ही है कि लैंडिंग पेज और ब्लॉग पे रिव्यू कैसे लिखेंगे जो हम गैप के वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हैं। इवन मैं बोलूंगा कि आप कहीं पर भी फ्री में काम करते हो लाइक क्योरा पर, पिंटरेस्ट पर, फेसबुक ग्रुप्स पर, इंस्टाग्राम पे, वहां पर भी ये ब्लॉग और लैंडिंग पेजेस का यूज कर सकते हो। और ट्रस्ट मी ये लैंडिंग पेज जो बताने वाला हूँ वो हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होगी क्योंकि मैं इसमें आपको वो मेथड बताऊंगा जो एक्चुअली में किसी लैंडिंग पेज पे यूज होता है, राइट। सो वो चीज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, राइट। सो एक चीज और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर ले। और अगर आपने गैप में अपना बना लिया है प्रोफाइल तो मुझे भी फॉलो कर लो यार, sky786 मेरा यूजर नेम है। आप गैप में मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं। सो मेक श्योर आप ये काम कर लो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता नहीं है कि गैप क्या है और मैं क्या बातें कर रहा हूँ और कैसे आपको 24 आवर्स में सेल मिल सकती है गैप से, राइट। इवन लोगों को रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही कम्युनिटी टैब में डाला था, एक बंदे को रिजल्ट आया, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने उसका जो भी प्रूफ है वो वहां पर कम्युनिटी टैब में डाल दिया था, राइट। तो आप जाके कम्युनिटी टैब में भी चेक कर सकते हो। तो ये दो वीडियोज हैं जो मैंने बैक टू बैक दी है, एक ये और एक ये, तो मेक श्योर जाके इन वीडियो को चेक करो तो ये आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आ जाएगा। बट पहले थर्ड पार्ट आप कंप्लीट कर लो, थर्ड पार्ट देख लो कि मैं थर्ड पार्ट में क्या बता रहा हूँ, देन आप ये दो वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, राइट। और अगर और भी चीजें सीखना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो यहाँ पर मैंने और भी वीडियोज बना के रखी है, तो आप जाके वीडियो सेक्शन में ये सारी वीडियोज चेक कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट टू मेकिंग मनी फ्रॉम ऑनलाइन ऑन इंटरनेट, राइट। और अगर आपके पास मोबाइल है तब भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं 101%, राइट। सो अब गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है, ब्लॉग नहीं है, फ्री में बिल्कुल लिखना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो है blogger.com, जो आप यहाँ पर सामने अभी देख रहे हो। blogger.com बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। blogger.com एक साइट है ब्लॉग लिखने के लिए बाय गूगल, ठीक है। तो blogger.com पे आप फ्री में लिख सकते हो। उसके बाद अगर
किसी को थोड़ा प्रो लेवल पर काम करना है, मतलब कि यस एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करना है, एफिलिएट मार्केटिंग में रहना है, चीजों को सीखना है, तो उनके लिए सजेस्ट करूंगा, ये भी एक फ्री वेबसाइट है जिसका नाम है ग्रो फनल्स, राइट। तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रो फनल करके नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट आपको यहाँ पर लैंड कराएगी और यहाँ पर आपको 3 फनल फ्री मिल जाएंगे अगर आप लिंक का यूज करके यहाँ पर पहुंचोगे तो। ठीक है, तो नीचे आपको लिंक दे दिया हूँ, यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ रजिस्टर कर लोगे। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको और इसके बारे में समझना है तो आप जाके ये वीडियो देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो। तो इससे क्या होगा, आप और ग्रो के बारे में समझ जाओगे और ग्रो पे आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो है वो जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आ रही होगी, राइट, बिल्ड फनल फॉर फ्री। तो यहाँ पर आप आके अपना फनल बना सकते हो, लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये वीडियो जाके देख लेना, आपको अच्छे से ग्रो के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, ईमेल्स भेज सकते हो, मतलब एक बहुत ही अच्छा टूल है ये ग्रो, और ये आपको फ्री भी देता है। 3 लैंडिंग पेजेस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, बना सकते हो। तो अगर आप प्रो लेवल पर, अच्छे लेवल पर काम करना चाहते हो तो मैं आपको ग्रो बोलूंगा, और आप बस काम करना चाहते हो और थोड़ा मोड़ा सीख रहे हो और बस पैसा, मतलब हल्का फुल्का, मतलब कि एक मतलब बहुत नीचे लेवल पर काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा blogger.com। और अगर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ग्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ग्रो फनल्स। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना नीचे, और फिर उसके बाद ये वीडियो का आके जरूर देख लेना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रो कैसे यूज होता है और कैसे यहाँ पर सारा काम होता है। ठीक है, तो ये वीडियो जाके देख लेना, 2 महीने पहले मैंने अपलोड की थी। ओके, तो ये हो गया, और मैं जो यूज कर रहा हूँ उसको बोलते हैं बिल्डरल। ठीक है, बिल्डरल का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और बिल्डरल क्या है, एक ऐसा टूल है जो एक ऐसा चीपेस्ट टूल है जो आपको 40 से ज्यादा टूल्स देता है एक ही प्लेटफॉर्म पे, जो आप डिजिटल मार्केटिंग में, इवन एफिलिएट मार्केटिंग में, एंड ऑल द मार्केटिंग जो ऑनलाइन में होती है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट टूल मैं बोलूंगा मार्केट का इस समय जो मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। इसमें आपको ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, फनल मेकिंग, लैंडिंग पेज मेकिंग, सोशल प्रूफ, शेयर लॉक, ई लर्निंग, फनल क्लब, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, राइट। तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसका भी लिंक जो है, ऑल इन वन टूल बिल्डरल का लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूंगा, तो उसमें भी आपको कुछ दिन का ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। ओके, सो मैं इसका यूज करने वाला हूँ, आप इसका यूज कर ना ग्रो फनल का, या आप यूज कर सकते हो blogger.com का, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, इस पे हम लोग ने बहुत सारी बातें की थी गैप के ऊपर, कि गैप कैसे काम करता है, ऑल द थिंग्स इन द लास्ट वीडियो, राइट। आई थिंक आपको याद होगा, इन द लास्ट वीडियो, इन दिस वीडियो, ठीक है। सो आपको याद होगा, अगर नहीं है तो जाके फिर से देख लेना, ठीक। तो अब देखो कैसे काम करता है फनल, वो मैं बताता हूं आपको, सॉरी कैसे काम करता है, पहले लैंडिंग पेज बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि रिव्यू आपको कैसे लिखना है। ओके, तो लैंडिंग पेज कैसे काम करता है उसको मैं आपको बोर्ड पे ले जाता हूँ और समझाता हूँ कि ये कैसे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड समझाता हूँ आपको। भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लैंडिंग पेजेस कैसे काम करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये मान लो एक लैंडिंग पेज, राइट, इसके हम लोग 3 पार्ट करने वाले, और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई लैंडिंग पेज की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से इस चीज को समझ लोगे, ठीक है। सबसे पहला रूल होता है लैंडिंग पेज में कि लैंडिंग पेज सुंदर, सोभर और एक एक नजर में समझ में आ जाना चाहिए, राइट। एक नजर में समझ में आना जाना चाहिए कि आप लैंडिंग पेज में क्या बताना चाहते हो, क्या डिलीवर कर रहे हो, और लोगों को इससे क्या रिजल्ट्स आएंगे या क्या बेनिफिट्स होंगे, राइट। एक नजर में पता चल जाना चाहिए, इतना कट एंड क्लियर आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले किसी भी लैंडिंग पेज में 3 बड़ी चीजें आपको सामने में नजर आती हैं, राइट। सबसे टॉप में होता है हुक, ओके, और यहां होता है स्टोरी, ठीक है, और यहां होता है ऑफर, राइट। अब इसके अंदर की कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी लोगों को ट्रिगर करने में, राइट। हुक में क्या लिखते हैं आपको पता है, इंपैक्टफुल ब्रेन लाइंस, राइट, इंपैक्टफुल ब्रेन लाइंस। इसका मतलब क्या होता है,
इम्पैक्टफुल ब्रेन लाइन, मतलब कि एक ऐसी लाइन जो लोगों के ब्रेन में टक से कैच करे, ठीक है? लाइक यू कैन मेक $1,000 इन अ डे, राइट? यू कैन मेक $1,000 इन अ डे। तो सबसे ज्यादा क्या आपको हुक कर रहा है? $1,000 इन अ डे। क्या हुक किया? $1,000 इन अ डे, राइट? तो उसी को बोलते हैं दोस्त हुक लाइन, राइट? अब स्टोरी में देखो क्या चीज होता है, यहां पर देखो ध्यान से समझना। स्टोरी में तीन चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, राइट? इमोशन, ठीक है, इमोशन, उसके बाद टर्न और थ्रिल बोलते हैं इसको, TURN, टर्न और थ्रिल्स, राइट? और यहां पर होता है प्लेजर, ठीक है, प्लेजर यानी खुशी, ठीक है? तो ये तीन चीज होती है स्टोरी में। अब प्लेजर, इमोशन और टर्न क्या होता है? इमोशन, इमोशन मतलब कि ऐसे तरीके से आप स्टोरी लिखो कि लोगों को उनके इमोशन से कनेक्ट कर सको, राइट? मतलब कि स्टोरी सीधी साफ और इमोशनल बेस्ड होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप पर्सनल स्टोरी बताते हो लोगों को अपनी, कि आपने कैसे इस प्रोडक्ट को फाइंड किया, ये प्रोडक्ट कैसे आपको हेल्प किया, इस तरह की चीजें लिखकर बताते हो, तो ये एक पर्सनल स्टोरी डिनोट करती है एंड वहां पर इमोशन कनेक्ट होते हैं। टर्न मतलब कि आपने कैसे यहाँ पर रिजल्ट देखना स्टार्ट किया और क्या एक अप था, एक अप बम्प क्या था, आपको कब रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुआ, राइट? आपने कब रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपके प्रोडक्ट का, आपने कब रियलाइज किया कि इस प्रोग्राम से आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, राइट? तो गाइस मैं अभी आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने कब मेरे यूट्यूब चैनल को देखा था और आपने कब सब्सक्राइब किया था और बेल का आइकन प्रेस किया था, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो मुझे 1-1.5 साल से यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं। तो मेक श्योर गाइस ये कमेंट में आप जरूर बताना और लाइक जरूर करना यार, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। तो मेक श्योर ये काम आप जरूर करो और देखते हैं कि कितने सारे लोग मुझसे सालों से जुड़े हुए हैं, राइट? सो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। सो गाइस आपने इमोशन बना दिया स्टोरी में, आपने टर्न बता दी, प्लेजर, लास्ट में आप पूरा आउटकम बताओगे कि भाई मुझे ये रिजल्ट मिला, मुझसे ये मैंने ये किया तो मुझे ये हुआ और इससे ये बेनिफिट होगा या हो चुका है। ये सारी चीज आपको अपने स्टोरी में कैप्चर करनी है, इमोशन, टर्न और प्लेजर। लास्ट में होता है ऑफर, ठीक है? ऑफर में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं, ठीक है? और प्लस आपका जो भी ऑफर है, लाइक आप बोल रहे हो कि आप फ्री में किसी को ईबुक दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि फ्री में किसी को कोई क्लास दे रहे हो, राइट? या फ्री में कोई प्रोडक्ट टेस्ट करवा रहे हो, ठीक है? तो ये आपका ऑफर में आता है। अब ऑफर में बहुत सारे चीजें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है? बट यहाँ पर एक चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल, या बहुत सारी चीजों में ये चीज नहीं भी होती है, तो ये भी रेयर होता है, ठीक है? तो ऑफर लास्ट में आपको दे देना है भाई, जो भी आपका ऑफर है वो आपको वहां पर सबमिट कर दे रहा है। तो एक लैंडिंग पेज में यही सारी चीजें होती हैं, राइट? अब आपको ध्यान में रखकर इन सारी चीजों के साथ एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी चीजें आपको कैसे, एक एग्जांपल देके दिखा देता हूं कि आप कैसे इन सारी चीजों के साथ लोगों के माइंड में इंपैक्ट करोगे, राइट? तो अभी मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने पूरा सही से दिखा देता हूँ, ओके? आई होप गाइज यू आर एंजॉयिंग द वीडियो, राइट? सो गाइज थोड़ा सा छोटा सा सपोर्ट मांग रहा हूं, प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूसरों का सपोर्ट मिले और उनकी हम हेल्प कर पाए ऑनलाइन से अर्निंग करने, राइट? सो मेक श्योर गाइस जस्ट लिटिल सपोर्ट मेक अ बिग डिफरेंस, राइट? तो हम लोग बहुत बड़ी फैमिली बना सकते हैं यूट्यूब पे, जो राइट वे में काम करे और सब पैसे अर्न कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस शेयर का बटन दबा के शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बट शेयर जरूर करना होगा, बस एक छोटा सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मेक श्योर शेयर जरूर करना इस वीडियो को। चलते हैं वापस वीडियो में। सो गाइज इन डिटेल आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ खुद के लैंडिंग पेज से, जो मेरा कोर्स है 90% ऑफ चल रहा है, राइट? आप ऑलरेडी जानते होगे या आपने इस पेज को विजिट किया होगा, आप नीचे जाके
डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दे रहा हूँ, विजिट करके देख सकते हो राइट। सो यहाँ पर देखो मैंने एक हुक दिया है सबसे पहले, यू कैन सी देयर राइट, और वो हुक है स्टॉप एंड वॉच सुपर सीक्रेट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड हुक राइट। क्या ये कैची लाइन जो आपके ब्रेन को अट्रैक्ट कर रही है, सुपर सीक्रेट सिस्टम राइट। तो ये है कैची लाइन हुक। अब उसके बाद मैंने कहा स्टोरी राइट, ये एक सिंपल लैंडिंग पेज है, यहां पर एक वीडियो है, ये इस स्टोरी को बता रही है राइट। यहां पर मैं कुछ सक्सेस बताऊंगा और कुछ चीजें आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड स्टोरी राइट। और ये जो है यहां पर आपको दे रहा हूं रजिस्टर नाउ फॉर लाइफ टाइम 90% ऑफ राइट। ये क्या है, ये आपका ऑफर है राइट, यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड ऑफर राइट। अब यहां पर पूरा ऑल लैंडिंग पेज ओवर हो चुका है जस्ट इस सेक्शन में राइट। इसके बाद जो चीजें आप देख रहे हो वो चीजें बार बार रिपीट की जा रही हैं राइट। यहां पर आपको बोनस दिया जा रहा है ठीक है, जो सारा स्टोरी के सेक्शन में आता है बोनस, एंड यहां पर बताया जा रहा है कि परचेस, लर्न द हिडन सीक्रेट एंड मेक सेल, तीन स्टेप में आपका पूरा गेम खत्म राइट, थ्री स्टेप टू रियल फास्ट रिजल्ट राइट। तो यहां पर आपको यहां पर भी वही चीजें बताई जा रही है जो पूरी स्टोरी में आ रही है, मतलब इस सेक्शन में, ये मिडिल सेक्शन में राइट, इस स्टोरी के सेक्शन में। तो ये आपको पूरा स्टोरी के सेक्शन में दिखेगा। देखो यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स भी हैं राइट, आपको कहा था ना टेस्टिमोनियल बीच में रिजल्ट सारी चीजें रहेंगी, एंड व्हाट यू आर गिविंग एंड प्लेजर कि उनको क्या फायदा होगा, तो ये पूरे फायदे यहाँ पर बोनसेस बताए जा रहे हैं राइट। इस पार्ट में मैंने कहा था प्लेजर राइट, तो ये पूरा प्लेजर बताया जा रहा है, एंड देन आपको फिर कुछ टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, एंड बार बार आपको वही चीज रिपीट होगी, एंड ऑफर देखो यहाँ पर भी ऑफर, एंड फिर वही पूरे प्लेजर्स राइट कि क्या रिजल्ट आया एंड ऑल द थिंग्स, एंड फिर ऑफर्स, एंड फिर वही, फिर ऑफर राइट। तो यही चीज बार बार हर एक लैंडिंग पेज में रिपीट होती है, हुक स्टोरी ऑफर, हुक स्टोरी ऑफर, हुक स्टोरी एंड ऑफर। तो ऐसे कर एक लैंडिंग पेज पूरा बनता है ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा बेसिक बता दिया जो आपको बहुत काम आएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट का रिव्यू लिखते हैं किसी भी साइट पर, चाहे आप ब्लॉगर यूज कर रहे हो, चाहे आप ग्रो फनल यूज कर रहे हो, चाहे आप बिल्डर यूज कर रहे हो राइट, कैसे कैसे लिखते हैं, तो हम लोग इसकी बात करेंगे अब, और आपको बेसिक पूरा अच्छे से समझा देता हूं मैं। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा जाता है, चाहे वो आप गैप की साइट में डालें, चाहे आप उससे क्या बोलते हैं आप उससे एड्स चलाएं, चाहे वो आप किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म पे फ्री ट्रैफिक के साथ यूज करें। फिलहाल हम लोग फ्री ट्रैफिक यूज करने वाले हैं गैप पे, ऑलरेडी यू नो राइट। अगर नहीं जानते हो तो जाके लास्ट की दो वीडियोस जरूर देखो, ये दोनों वीडियो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट वी आर डूइंग राइट। बट इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद नाउ अगेन मैं बोर्ड पे आ चुका हूँ, एंड बोर्ड पे आपको समझाता हूँ कि कैसे रिव्यू लिखा जाता है राइट। मान लो ये एक ब्लॉग है ठीक है, ब्लॉग में तीन चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने के लिए राइट। तो सबसे पहला जो चीज होता है, जो कॉन्टेंट होता है, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन कॉन्टेंट राइट, मतलब कि अट्रैक्ट, लोगों को अट्रैक्ट करना ठीक है। तो अट्रैक्ट फर्स्ट, सो आई नो गाइज यू ऑलरेडी नो अबाउट माय एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स जो चल रहा है 90% ऑफ, जिसमें आपको मिल रहे हैं दो एक्स्ट्रा कोर्सेस लाइक इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन एंड ग्रोथ, और आपको मिल रहा है फेसबुक एड कोर्स राइट, और 2.8 लाख रुपीज के दोनों इंटरनेशनल कोर्सेज। तो ये बोनस मिल रहा है मेरे एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के साथ जो 90% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप उसको ग्रैब करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, जाके जरूर चेक करें, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से निकाल दोगे तो आपको इतना सस्ता मेरा कोर्स नहीं मिलने वाला राइट। वो भी दो कोर्स फ्री मिल रहे हैं इन बोनस दिस टाइम, तो मेक श्योर जाके जरूर चेक करना जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो वीडियो कर दो लाइक और चलते हैं वापस वीडियो में। सो गाइस एक ब्लॉग में सबसे पहला जो होता है वो होता है अट्रैक्ट राइट, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फॉर्मूला का यूज किया जाता है सबसे टॉप पर जब भी किसी का भी आप रिव्यू लिखते हो ऑन ब्लॉग राइट। उसके बाद होता है इंगेज, मतलब इंगेजमेंट, और उसके बाद होता है डिलाइट, मतलब कि आपके कस्टमर को उसका पूरा सार, मतलब कि उस ब्लॉग पे इंगेज और अट्रैक्ट होने का फल, मतलब कि रिजल्ट्स, तो उसको बोलते हैं डिलाइट। सो होता यह है कि आप जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखोगे फॉर गैब और फॉर एनी एड्स और फॉर एनी अदर फ्री
प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, क्योरा, किसी भी चीज के लिए लिखोगे तो ये तीन फॉर्मूले ही यूज होते हैं, राइट? सबसे पहला अगर कुछ लिखते हैं किसी भी ब्लॉग में तो अट्रैक्ट करने के लिए पहली लाइन होती है, राइट? यहाँ पर बिल्डर रिव्यू एक सिंपल ब्लॉग लिखा हुआ है, राइट? बट यहाँ पर एक लाइन आएगी, ठीक? जैसे कि मैं बहुत पहले का दिखा रहा हूँ, हाँ, हम लोग ने बहुत पहले एक चीज यहाँ पर प्रैक्टिस की थी ऐसे ही, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी आपको, एक डेढ़ साल पहले की, राइट? तो इसका जो मेन लाइन हम लोगों ने लिखा था, मिलियन डॉलर बिजनेस प्लान, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल में, मिलियन डॉलर बिजनेस प्लान, रिव्यू ऑन बिल्डर बिजनेस प्लान एंड हाउ टू मेक मनी इन 2019, राइट? सो ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, राइट? अट्रैक्ट करने वाली लाइन, अट्रैक्शन लाइन। तो किसी भी ब्लॉग पे किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप लिखने जाओगे तो आपको एक अट्रैक्शन लाइन सबसे पहले लिखनी है। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है और उस प्रोडक्ट का नाम है डन फॉर यू, राइट? तो अगर मैं डन फॉर यू के लिए फर्स्ट अट्रैक्ट लाइन बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं 100 अर्निंग फॉर्मूला डन फॉर यू, राइट? तो सबसे पहली अट्रैक्शन लाइन क्या हो जाएगी, 100 अर्निंग फॉर्मूला डन फॉर यू, राइट? $100 अर्निंग फॉर्मूला डन फॉर यू, ठीक है? तो डन फॉर यू क्या है, अपना प्रोडक्ट है एंड उसके लिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा है, $100 अर्निंग फॉर्मूला डन फॉर यू। तो ये क्या होगा, एक अट्रैक्ट करने वाली लाइन हो गई। अब इंगेज, इंगेज में क्या होगा, वही चीज लाइक कैसे प्रोडक्ट काम करता है, इसका क्या चीज है, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या है प्रोडक्ट, यू कैन सी ये यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज बिल्डरल एंड लाइक कैसे काम करता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको मतलब कितना बेनिफिट हुआ, आप क्या इस प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो, राइट? ये प्रोडक्ट लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ऑल द थिंग्स कम इन एंगेजमेंट। मतलब कि जब लोग आए फर्स्ट लाइन को पढ़ें, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस को पढ़ें, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें, वो पूरी चीजें आती हैं एंगेज वाले फॉर्मूले में, एंगेज वाले स्टेप में, एंड वहां पर आप पूरा अपना एक्सपीरियंस और पूरा प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हो, ठीक है? कौन से मिडिल स्टेप में, जिसको बोलते हैं इंगेज सिस्टम, राइट? इंगेज का जो सिस्टम होता है यही बीच में होता है, यू कैन सी यहां पर दिख रहा है, ये बीच का जो होता है पूरा किसी भी ब्लॉग में, रिव्यू ब्लॉग में पूरा इंगेज वाला सिस्टम होता है, जहां पर आप अपने कस्टमर को इंगेज करते हो, अपने बायर को जो भी बोलो उसको इंगेज करते हो, राइट? तो यहां पर वही चीज होती है, पूरी रिव्यू होती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज होता है एंड ऑल द थिंग्स, राइट? डिलाइट में आप बता दोगे भाई कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, मतलब कि आपका ऑफर प्लस प्लेजर, प्लेजर मतलब रिजल्ट, आप अपना मेन मकसद, मेन चीज बताओगे कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद मैंने $1,000 की अर्निंग स्टार्ट कर दी, या इस प्रोडक्ट को लेने के बाद मैंने $1,000 सेव कर लिए। मान लो बिल्डर आपने लिया है तो बिल्डर के रिव्यू में आप लास्ट में डिलाइट लिख रहे हो, तो डिलाइट पार्ट में आप लिखोगे कि इस प्रोडक्ट की वजह से मैंने $300 से $400 सेव कर लिए, बिकॉज मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा और मुझे 44 टूल ऐसे ही मिल गए सिर्फ एक प्रोडक्ट में, जबकि मैं जब अलग प्रोडक्ट्स का यूज करता था तो वहां पर मैं अपने ईमेल ऑटोमेशन के लिए दूसरा प्रोडक्ट यूज करता था, उसमें मैं ज्यादा पैसा देता था, फनल के लिए दूसरा प्रोडक्ट यूज करता था, उसमें ज्यादा पैसा देता था, लैंडिंग पेज के लिए अलग यूज करता था और हर टूल के लिए अलग अलग यूज करता था, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था। बट जब से मैंने बिल्डर को यूज करना स्टार्ट किया है, मैं सिर्फ $69 या $29 के अंदर अंदर इस सारे टूलों को यूज कर पाता हूँ एंड मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये होता है डिलाइट सेक्शन, जहां पर आप सीधा अपना बोलते हैं ना, वो पहले हम लोग लिखते थे, वो क्या बोलते थे उसको, एसे लिखते थे, एसे एसे में होता था उपसंहार, राइट? तो उपसंहार में हम लोग अपना पूरा खुशी बताते थे, पूरा सार बताते थे पेज का, कि इस पेज को लिखने का सार क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वही चीज आती है डिलाइट में। तो कभी भी आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट पे रिव्यू लिखो तो इन तीन चीजों का यूज करोगे, और जैसे मैंने बताया कि आप लैंडिंग पेज में क्या चीजों का यूज करोगे, तो वैसे बनता है लैंडिंग पेज और ऐसे बनता है एक ब्लॉग रिव्यू साइट, राइट? तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, आप ब्लॉगर का यूज कर सकते हो, आप ग्रो का यूज कर सकते हो, आप बिल्डर का यूज कर सकते हो, तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। अगर आप नए हो अभी इस वीडियो को देखे हो डायरेक्ट, तो आप इस दो वीडियो को जाके जरूर चेक कर लेना। मेक श्योर आप अगर नहीं चेक करोगे तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, राइट। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन ये है कि मैंने इसमें आपको पूरा मेथड बता दिया है कि कैसे ब्लॉग लिखा जाता है और कैसे रिव्यू साइट लिखी जाती है। क्या आप चाहते हो कि मैं एक पूरा ब्लॉग और पूरा एक रिव्यू साइट लिख कर बताऊं, या अब डायरेक्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करना बताऊं, एक लैंडिंग पेज मैं तैयार कर लूंगा अपने प्रोडक्ट के लिए, डन फॉर यू जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था डीजी स्टोर से, उसके लिए मैं अपना एक लैंडिंग पेज तैयार कर लूंगा, उसके बाद मैं लास्ट वीडियो दे दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक पूरा रिव्यू लिखकर बताऊं, मतलब कि अपना जो जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसके ऊपर, और एक लैंडिंग पेज भी बना के दिखाऊं, मतलब प्रैक्टिकल वे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो उसके लिए एक वीडियो और हम बढ़ा देंगे, अदरवाइज सीधा लास्ट वीडियो लॉन्च करेंगे जिसमें हम लोग प्रमोट करेंगे, राइट। सो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइक कर दो इस वीडियो को, बिकॉज आपका लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और नहीं देखे हो दो पार्ट तो जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दो, पहले लाइक करो और कमेंट करो कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर जल्दी से आप 50-60 कमेंट पूरे करते हो और शेयर करते हो तो मैं बता रहा हूं कल के कल वीडियो ड्रॉप कर दूंगा आप लोगों के लिए, लास्ट 4 पार्ट, राइट। तो अगर आपको चाहिए भाई जल्दी से वीडियो तो कमेंट कर डालो, यस सर आई वांट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल, तो कमेंट को कर दो ड्रॉप, कर दो इस वीडियो को लाइक, नया मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिकॉज वीडियो मिस हो जाएगी अगर वीडियो कल के कल सुबह भी आ सकती है, शाम को भी आ सकती है, और आएगी तभी जब आप कमेंट करोगे, मैं देखूंगा आपका डिमांड ज्यादा है तब वीडियो और तेजी से आएगी। तो मेक श्योर गाइज ये काम आप जरूर करें, छोटे से 3 काम है, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर नया मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और नेक्स्ट वीडियोस को एंजॉय करो, जाओ वीडियो सेक्शन में काफी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, एंजॉय करो जाके, और लास्ट के 2 पार्ट जरूर देखना। सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।